रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे मटन यखनी पुलाव, जिसके लिए हम पहले यखनी ऊपर बनाने के लिए रख लेंगे। हमने चार मग चावलों के लिए हैं, जिसमें हम छः मग डाल लेंगे। तो पहले यखनी बनना हम रख दें। इसमें हम छः मग पानी डालेंगे और 2 किलो जो है मटन वो इसके अंदर डाल देंगे। 2 किलो मटन लेके हमने पहले धो के साफ़ करके रख लिया हुआ, वो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे और साथ में हम मसाले डाल देंगे इसके अंदर। तो इसको हम फिर यखनी बनने के लिए रख देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 5 इलायची बड़ी, 3 से 4 दालचीनी और थोड़े से लौंग डाल देंगे इसके अंदर, और ये 2 चम्मच जो है वो ज़ीरा डाल देंगे इसके अंदर। और इसके साथ ही इसमें डालते हैं 2-3 प्याज हमने काट के रखे हुए हैं छोटे साइज़ के, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। लहसुन भी 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे इधर ही, तो ये सारी यखनी तैयार हो जाएगी हमारी। 1 चम्मच इसके अंदर डाल दिया, तो बाकी फिर इसको हम 10 मिनट जो इसको रखेंगे, इसके बाद फिर हम इसको ना, तो 10 मिनट के बाद फिर हम अपनी यखनी खोलेंगे और उतनी देर हम दूसरी साइड, और नमक भी हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे, फिर बाद में चेक कर। और साथ ही हम अपना दूसरा इसका सामान तैयार करते हैं और इतनी देर इसको गलने के लिए रख दें। जी अब हमारी यखनी तैयार हो रही है, तो हमने इधर ऑयल गरम करना रख दिया था, उसमें हमने 2 प्याज बड़े लेके वो काट लिए हैं, वो हम इसके अंदर अब फ्राई करके उतनी देर इसको ब्राउन करके उसका मसाला तैयार करते हैं। उधर हम चावल धो के भगो लिए, तो उतनी देर हाँ, इसमें हमने 3 चम्मच खंडिया वाले जो है ना, 3 से ज़्यादा ही आते हैं, 3 सुबह नहीं आधा ज़्यादा, तकरीबन 4 के करीब 3 चम्मच जो है ना। 2 किलो चावल है हमारे, तो इसमें हमने 4 चम्मच धनिया जो है वो वाले डाले, तो 2 प्याज बड़े काट लिए। अब हमारा प्याज ब्राउन हो गया, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे पहले, ताकि इसका कलर आ जाए। अब हमारा प्याज ब्राउन हो गया, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसमें कलर आ जाए। तो अब साथ में इसमें मसाले टमाटर डालेंगे, टमाटर डाल देंगे, तो 2-3 से 4 टमाटर हमने काट के पहले रख दिए। और उसके अलावा हमने सबज मिर्च पीस के रखी हुई है, वो भी हम इसके अंदर तकरीबन हमने 8 पाव सबज मिर्च जो है ना वो पीस ली हुई है, क्योंकि इसके अंदर हमने सबज मिर्च ज़्यादा डालनी है तो सुरख मिर्च नहीं डालनी है, इसलिए हमने सबज मिर्च पीस के रख ली हुई है, तो वो हमने इसके अंदर डाल दी। अब हमारी यखनी तैयार हो गई है, तो हम इसमें से मटन को निकाल के सारा इधर डाल लेंगे तैयार, अगर आप भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए, तो बाकी फिर इसके अंदर ये यखनी वाला पानी जो है सारा इसके अंदर डाल दें। इसके अंदर डाल दिए सारा मसाले के मटन जो है, तो इसको 2 से 3 मिनट तक ना इसके अंदर भून लेंगे अच्छी तरह, फिर उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। अब इसके अंदर काली मिर्च और सुरख कुटी हुई मिर्च जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, हमने वो यखनी के अंदर नहीं डाली। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, जो कि हमारे 2 किलो चावल हैं, हमने 4 मंडिये मालिश करके तो उनको धोया होगा, तो उसके हिसाब से हम इसमें 6 से 7 कप पानी तकरीबन ऐड कर देंगे। हाँ जी, अब हमने इसमें पानी डाल दिया हुआ है, तो पानी बॉयल होगा तो थोड़ी देर में हम चावलों का पानी निकाल लेते हैं, फिर हम इसमें चावल डालेंगे। पानी जो है वो बॉयल हो रहा है, इसलिए हमने जो चावल धो के रखे हुए हैं ना
वो हम इसके अंदर सारे डाल, नमक चेक करके इसके अंदर नमक भी थोड़ा सा डाल लिया, तो बाकी अब इसके अंदर चावल डाल देंगे, तो चावल हमारे जो है वो 4 से 5 मिनट तक पकेंगे, फिर उसके बाद हम इनको दम पे रखेंगे। जी अब हमारे चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो गया है, तो इसलिए अब हम इनको दम पे रख देंगे, 5 से 7 मिनट बाद इनको फिर दोबारा चेक। जी अब हमारे चावल जो है वो तैयार हो गए हैं, हमने चूल्हा बंद कर दिया, दम मुकम्मल हो गया, तो ये देखें अब चावल बिल्कुल सही। तो इसलिए अब हमारी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।